इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ TCS NQT के बारे में, TCS NQT होता क्या है, एग्जाम डेट, लास्ट डेट, कौन से ईयर के पास आउट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप NQT के थ्रू 19 LPA तक का पैकेज यहाँ से ले सकते हो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कितना डिफिकल्ट रहता है NQT का एग्जाम, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग वेद। सो गाइस, इस वीडियो में मैं TCS NQT मींस TCS नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं। आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, इस वीडियो से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है TCS NQT से रिलेटेड। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, आपको कोई भी डाउट होता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट एंड एग्जाम डेट क्या है। तो इसमें गाइस आपको 3 मई से पहले पहले आपको इसमें अप्लाई करना है, एंड इसका जो एग्जाम डेट है वो 14 मई है। सो आपके पास काफी टाइम रहने वाला है अप्लाई करने के लिए भी एंड प्रिपरेशन करने के लिए भी। सो इसमें आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो एंड आप प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो आपको अप्लाई डेट एंड एग्जाम डेट आपको क्लियर हो गया हो, लास्ट डेट टू अप्लाई इज 3 मई एंड एग्जाम डेट आपका 14 मई है। सो गाइस, अगर आपको TCS NQT का कोई भी आइडिया नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको NQT को बता देता हूँ ये है क्या। सो TCS NQT इज अ नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, इज एन असेसमेंट ऑफ वेरियस लेवल टू टेस्ट कैंडिडेट ऑन कोर कॉग्निटिव प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर एंट्री लेवल जॉब्स, इंडस्ट्री नॉलेज एंड स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन इन द डिजायर्ड फील्ड्स। सो गाइस, जब आप कॉलेज में होते हो सो आपको किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए एक आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है, एंड उस एप्टीट्यूड टेस्ट देने के बाद आपको फिर सिलेक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ते हो, आपको इंटरव्यूज कॉल वगैरह आते हैं। सो सपोज आप मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हो सो आपको मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा हर एक कंपनी का, लेकिन TCS ने एक ऐसा स्टेप लिया, TCS NQT के नाम से एक टेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें कि आप एक सिंगल एप्टीट्यूड टेस्ट देने के बाद ये बहुत सारी कंपनीज में आप एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। सो आप एक TCS NQT का एग्जाम देके आप बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो फॉर वेरियस रोल्स, एंड NQT स्कोर जो है बहुत सारी कंपनीज में वैलिड होता है, एंड आप TCS के पोर्टल से भी एंड उनके रिस्पेक्टिव वेबसाइट के करियर पेज पे जाके भी आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ NQT स्कोर। सो आपको अब NQT क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। सो गाइस, TCS NQT में अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पे आना होगा, एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे यहाँ पे आ सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट डेट जो है वो 14 मई है एंड अप्लाई बिफोर 3 मई, एंड यहाँ पे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 19 LPA तक का पैकेज आप यहाँ से ले सकते हो, 20+ IT रोल्स हैं यहाँ पे, 150+ नॉन IT रोल्स हैं, एंड आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं क्या प्रोसेस इसमें फॉलो करना होता है। सो लैंड योर ड्रीम जॉब, यहाँ पे स्टेप वन में सबसे पहले आपको अप्लाई टू TCS NQT एंड अपियर फॉर द टेस्ट। सो आपको सबसे पहले अप्लाई करना होगा एंड टेस्ट के लिए अपियर करना होगा। देन सेकेंड स्टेप में आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, गेट योर TCS NQT स्कोर। देन स्टेप थ्री है अप्लाई टू मल्टीपल जॉब्स ऑन आर वेबसाइट। सो यहाँ पे आप इनके वेबसाइट से भी बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, एंड स्टेप फोर में आप उनके करियर पेज पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो, एंड देन स्टेप फाइव गेट जॉब्स बेसिस योर TCS NQT स्कोर एंड सुटेबिलिटी। सो जैसा भी आपके मार्क्स रहेंगे NQT में उस बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगी। एंड गाइस, कुछ पॉपुलर कंपनीज की बात करें सो इसमें TCS खुद एक पार्ट है, TCS के लिए भी आप एलिजिबल रहते हो, टाटा एलेक्सी हो गया, पब्लिक सेपियंट हो गया, टाइटन कंपनीज में भी आप अप्लाई कर सकते हो, और भी यहाँ पे वेदांतो देख सकते हो, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे है, यहाँ पे व्हाइट एट जूनियर, अपग्रेड, स्टारटेक, सो आप बहुत सारी कंपनीज में यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो द टेस्ट आर शेड्यूल्ड एवरी 2 to 4 weeks इन आर एग्जाम सेंटर, एंड TCS NQT जो है वो 2 to 4 weeks में हर बार ये एग्जाम शेड्यूल होता है। सो आप इसमें कभी भी एग्जाम जाके दे सकते हो। एंड गाइस, अगर बात करें हु कैन अप्लाई, सो कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, सो यहाँ पे प्री फाइनल और फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम और डिग्री। सो यहाँ पे डिग्री आपका मैटर नहीं करता है, वेदर आप कंप्यूटर साइंस के हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, किसी भी ब्रांच के हो, सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट पासिंग बिटवीन 2018 to 2024 हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब। सो 2018 to 2024 अगर पास आउट इसके बीच के हो सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है गाइस, वर्किंग प्रोफेशनल विद अप टू 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको 2 years से कम का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सो ये पूरा कंप्लीट है एलिजिबिलिटी, इसमें अप्लाई करने की क्या क्या एलिजिबिलिटी थी। सो नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट डू यू गेट, अगर आप ये एग्जाम देते हो सो आपको क्या क्या इसमें मिलेगा। सो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा विद अ वैलिडिटी ऑफ 2 years। सो अगर जो आप एग्जाम देते हो NQT का सो उसका वैलिडिटी जो रहता है 2 years का होता है।
नेक्स्ट इज अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स। सो आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स इसमें दे सकते हो अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। सो लेट्स से अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 60% आया है, सो आप उसको इम्प्रूव करने के लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट भी दे सकते हो। लेकिन सपोज आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में और कम आ जाता है, लेट्स से 55% आ जाता है, सो आपका जो स्कोर होगा 60% ही काउंट होगा एंड सारी कंपनीज में 60% ही विजिबल होगा। नेक्स्ट इज फ्री ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज। सो आपको ये ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं एंड देन फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको मिलता है। सो आप प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हो इनके पोर्टल पे ही, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा साथ में इस पैक के। पैक की बात पे आ गए हैं, सो अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ्री नहीं है। यहाँ पे आपको पैसे पे करने होंगे फॉर TCS NQT। यहाँ पे आप देख सकते हो किक स्टार्ट योर कॉर्पोरेट करियर विद दीज बेस्ट सेलर्स। यहाँ पे आप थ्री कैटेगरीज देख सकते हो, इसको आपको बाय करना होगा। गाइस अब बात कर लेते हैं इन तीनों में से आपको कौन सा बाय करना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट कर देगा TCS NQT BFSI से। आप अगर आप बैंकिंग फाइनेंस इन सब में आपका क्वालिफिकेशन है, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप TCS NQT BFSI को चूज कर सकते हो। इसका प्राइस है 999 एंड इसमें आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इम्प्रेस टॉप रिक्रूटर फॉर हाई पेइंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रोल विद सैलरी रेंजिंग फ्रॉम 2.5 LPA टू 11 LPA। एंड यहाँ पे आपको फ्री ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज मिल जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएगा, फ्री करियर रेडिनेस कोर्स मिल जाएंगे फॉर क्रैकिंग इंटरव्यूज एंड इसमें आप व्यू मोर करोगे सो और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे भी आप एग्जाम डेट वगैरह देख सकते हो एंड अपकमिंग एग्जाम डेट्स लाइक 11th जून, 15th जून, 29th जून, इन सब में आप भी आप रीअपियर कर सकते हो अगर आपका स्कोर आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो। एंड यहीं से आप डायरेक्टली टेक अ सैम्पल टेस्ट पे भी जा सकते हो अगर आपने बाय कर लिया है तो। एंड यहाँ पे भी वही डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, स्कोर कार्ड आपका 2 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। कैंडिडेट्स कैन अपियर फॉर द TCS NQT एग्जाम ओनली इन सेंटर, आपको इन सेंटर एग्जाम ही जाके देना होगा। एंड आपको 2 प्रैक्टिस टेस्ट मिलता है विद 5 अटेम्प्ट्स ईच। दोनों प्रैक्टिस टेस्ट को आप 5 बार एग्जाम उसका दे सकते हो एंड वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो उसका पाथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। एंड गाइस बात करें अगर हम TCS NQT IT की, इसमें किसको अप्लाई करना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस BTech के हो, किसी भी ब्रांच में आपने किया हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, किसी भी ब्रांच में आपने किया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो फॉर TCS NQT IT। एंड इसमें रोल्स आपको सिर्फ IT के रोल्स ही मिलेंगे एंड इसका पैकेज जो है गाइस 3 LPA से स्टार्ट होगा एंड अप टू 8 LPA तक जाता है। लेट्स से अगर आप BTech कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, TCS में आपको 3 LPA का पैकेज मिलता है फॉर निंजा रोल एंड डिजिटल रोल को आपको 7.5 LPA का पैकेज होता है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इसको भी आप बाय कर सकते हो। एंड इसके बारे में भी और डिटेल्स पढ़ना चाहते हो तो नो मोर पे क्लिक करके आपको सेम डिटेल मिल जाएगी नीचे ही। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी डिटेल्स एंड यहाँ पे भी आप TCS निंजा और डिजिटल ऑफर लेटर इंटरव्यूज के लिए आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख सकते हो। एंड गाइस अगर सिलेबस की बात करें फॉर TCS NQT IT रोल, रोल डाउन करने पे आपको सिलेबस भी इसका मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल मार्क्स 160 का रहेगा एंड टोटल ड्यूरेशन 195 मिनट्स। इसमें क्या आपको एक फाउंडेशनल सेक्शन रहता है जिसमें कि आपका एप्टीट्यूड राउंड होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। देन पार्ट बी में एडवांस सेक्शन होता है जिसमें कि आपको एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी एंड देन एडवांस कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इसमें गाइस आपको 95 मार्क्स का एग्जाम होता है फॉर 90 मिनट्स एंड देन उसके बाद एक आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपका सिर्फ एक पर्सनैलिटी टेस्ट ही होता है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता नहीं है वैसे, बट साइकोमेट्रिक टेस्ट भी एक इसका पार्ट है। एंड गाइस यहाँ पे आप डिटेल्स पढ़ सकते हो, IT रोल के लिए 3 LPA टू 8 LPA का सैलरी पैकेज रहता है एंड इसमें रोल जो रहता है डेवलपर, सिस्टम इंजीनियर, IT एनालिस्ट इन द IT इंडस्ट्री आर ऑफर्ड। एंड गाइस बात करें अगर TCS NQT कॉग्निटिव की, यहाँ पे आप देख सकते हो गेट एंट्री लेवल जॉब फॉर IT एंड नॉन IT रोल्स अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज। अगर आप IT नॉन IT रोल दोनों में इंटरेस्टेड हो आप इसमें जा सकते हो, 599 का ये पैक है एंड इसमें आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट, टेस्टिंग प्रोजेक्ट, IT रोल्स कुछ भी एंड BPO रोल भी आपको इसमें मिल सकता है। एंड यहाँ पे गाइस अगर हम नो मोर पे क्लिक करते हैं इसमें भी क्या क्या सिलेबस वगैरह रहता है वो भी आपको नीचे देखने को मिल जाता है। फॉर TCS NQT कॉग्निटिव के लिए अगर आप सिर्फ अप्लाई करते हो इसमें आपको टेस्ट का आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हो। टेस्ट कवरेज टोटल मार्क्स 65, ड्यूरेशन 75 मिनट्स का होता है जिसमें कि आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें कि आपको नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 20 मार्क्स का होगा। देन वर्बल एबिलिटी में 25 मार्क्स, देन रीजनिंग एबिलिटी में आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे
एंड ये थोड़ा सिंपल रहता है, थोड़ा इजी रहता है एज कम्पेयर टू TCS NQT IT. सो इसमें आपको टोटल 75 मिनट्स मिलेंगे फॉर 65 क्वेश्चंस. सो 20 + 20 + 25, सो 65 क्वेश्चंस रहेंगे एंड टोटल आपको 75 मिनट्स का टाइम मिलेगा. एंड यहाँ पे बस बाय करना बहुत सिंपल है. बाय नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड देन आप कोई भी ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो. सो बाय करना यहाँ पे काफी सिंपल प्रोसेस है. सो आप इसको कर सकते हो. सो आई होप गाइस कि आपको TCS NQT क्या होता है एंड यहाँ से आप कैसे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो सारा कुछ समझ में आ गया होगा. एंड आपका कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो. सो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.